अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त मैं अकबर रोड की मार्केट में मौजूद हूं और ये जरा बात आपने गौर से सुननी है। आज से साल डेढ़ साल दो साल पहले मोटरसाइकिलों की जो कीमत थी 60,000 55,000 60,000 65,000 थी, लेकिन आज 2023 के अंदर इनकी क्या कीमत हो चुकी है, पता करते हैं कि नई गाड़ियों की कीमत कितनी ऊपर जा चुकी है। तो एक तो इनकी कीमत पता करेंगे नई की, और आपको पुरानी की कीमत भी बताएंगे। सुपर स्टार हो गई, यूनिक हो गई, यूनाइटेड हो गई, काफी गाड़ियां जो है ना यहां पर मौजूद हैं। इन सब के हम रेट लेंगे, आपको बताएंगे कि 2023 के लेटेस्ट रेट, नए रेट, न्यू रेट क्या चल रहे हैं। अस्सलाम सर, बताएं क्या आजकल क्या रेट चल रहे हैं गाड़ियों के? आजकल तो 22 बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है, रेट्स काफी बढ़ गए हैं बाइकों के। लेकिन ना पहले जो बाइक्स थी तकरीबन 60-65 हजार रुपए की थी, आज तकरीबन 1 लाख से ऊपर हो गई सारी बाइकें जितनी भी आ रही है। और वजह ये है कि सर कंपनी जो बोल रही महंगाई, बोल रहे शीट्स महंगी हो गई है, डॉलर, क्योंकि इंजन वगैरह इसका बाहर से इम्पोर्ट होता है तो उसका डॉलर पे आता है सब कुछ, तो डॉलर भी छूट मार गया है। और यहाँ बोलते हैं लोहे की शीटें वगैरह, क्योंकि मोटरसाइकिल पूरी बनती है लोहे के ऊपर, तो लोहे की शीटें वगैरह लेते हैं तो बोलते हैं वो इतनी महंगी हो गई, हर चीज इतनी कॉस्ट ऊपर चली गई है। तो कंपनी बोल रही है कि अब हर लेकिन आप हर थोड़ी देर बाद रेट में इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है जब से डॉलर बढ़े हैं कि हम खुद परेशान हो गए हैं कि इतनी तेजी से रेट बढ़ रहे हैं यहाँ पर मोटरसाइकिलों के। मोटरसाइकिल के टाइम तो हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं। एक तो सुपर पावर है, एक यूनाइटेड है, एक यूनिक है, और भी गाड़ियां हैं। जी जी, इनमें सबसे महंगी कौन सी है इस टाइम? सबसे महंगी सर आपकी यूनाइटेड है। यूनाइटेड जी जी जी, यूनाइटेड 70। पहले वो सस्ती थी, वो मेरे ख्याल में आप ही समझे कि यूनिक, सुपर पावर, सुपर स्टार, ये सब सबसे सस्ती थी गाड़ी, आज उसका रेट सबसे ज्यादा हो गया। हालांकि मैं जब भी यानी कि यूज करता था तो मैं यूनिक यूज करता था। जी जी, बड़ी प्यारी जी जी, अभी भी यूनिक आप बता रहे हैं कि यूनाइटेड रेट यूनाइटेड ने बढ़ा दिए है, उसके बाद यूनिक का रेट आता है, फिर पावर है, फिर सुपर स्टार है, फिर इनके नंबर रेट आते हैं रेट्स, तो यूनाइटेड ने सबसे ज्यादा रेट्स बढ़ाए हैं इसके अंदर अभी। ये यूनाइटेड की 100 है, ठीक है ना, इसमें अलॉय रिम वगैरह लगे हुए, इससे मजबूती बहुत आ जाती है आपकी, रोड ग्रिप वगैरह अच्छी होती है, व्हील से जान छूट जाती है। अच्छा ये बताएं कि ये अलार्म तो लगे हुए हैं क्या, टायर ट्यूबलेस है? नहीं नहीं, इसमें ट्यूबलेस नहीं है, लेकिन लग सकते हैं, अगर आपको ऑप्शन है ना इसके अंदर, आप इसमें ट्यूबलेस टायर लगाना चाहते हैं तो लग सकते हैं इसके अंदर ट्यूबलेस टायर। सही जी जी जी, तो ये यूनाइटेड की यानी कि सबसे महंगी हो गई है। जी जी जी, ये 100 है। 100 है जी जी जी। तो अभी इसकी प्राइस क्या चल रही है? इसकी प्राइस इस टाइम 1,22,000 रुपए। 1,22,000 रुपए। पार्ट सारे अवेलेबल होते हैं? जी सर, पार्ट सारे अवेलेबल होते हैं। और पार्ट से शुरू, और बताएं कौन सी है? और इसके बाद आ जाएं आप, ये 70 भी आ जाएं, सुपर पावर है, सुपर पावर 70 है, इसका बताएं। ये है 1,05,500 रुपए की। 1,00,000। ये 2023 मॉडल है सारे? सारे 2023 मॉडल, लेटेस्ट मॉडल है सारे, लेटेस्ट मॉडल है सारे। नहीं देखिए, कंपनी तो बोलती है 1 किलोमीटर में चलती है 60-65 किलोमीटर, लेकिन हम ये बोलते हैं कि आप शहर में चला रहे हैं गाड़ी, 50 किलोमीटर चलती है। अगर आपको कोई इशू है तो कंपनी को वर्कशॉप ले जाके उसकी सेटिंग वेटिंग करा सकते हैं आप, तो आपको 50 देगी गाड़ी। अच्छा, 50 देगी। उसके बाद आ जाए ये यूनिक पे, यूनिक खड़ी हुई है सही, इसका 70, ये में है 1,07,500 रुपए की। 1,07,500। जी जी जी, जबरदस्त। और कौन सी है उसके बाद? ये आ जाए ये सुपर स्टार की, सेल्फ स्टार्ट प्लस अलॉय रिम। अच्छा, ये ट्यूबलेस नहीं है अभी फिलहाल? ये ट्यूबलेस नहीं आते अभी किसी में भी। अच्छा, वो लगवाने पड़ते, वो लगवाने पड़ेंगे अगर आप लगाना चाहे तो। इसी कीमत है 1,23,500। 1,23,500 ये आज के रेट में बता रहा हूँ, कल क्या रेट होंगे इसका कोई पता नहीं। उसके बाद याद है सुपर पावर की, ये सिर्फ सेल्फ स्टार्ट है, ये भी सेल्फ है। जी जी, ये 1,12,000 रुपए की है। 1,12,000 रुपए, ये भी वही है। जी जी जी, और उसके बाद फिर आप ये देख रहे हैं इलेक्ट्रिक बाइक है फिर मेरे पास। अच्छा, ये भी वही है? इलेक्ट्रिक बाइक डिफरेंट होती है सर, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक है। अच्छा, सिर्फ इलेक्ट्रिक, इसका इंजन से किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं, पेट्रोल से कोई ताल्लुक नहीं, पेट्रोल से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसके बारे में जरा बताएं, इसके बारे में बता देते हैं। ये टोटल सुपरस्टार कंपनी की इलेक्ट्रिक बाइक है। ये इसकी बैटरी बॉक्स है, इसके अंदर बैटरी लगी हुई थी, एक बैटरी लगी हुई थी, लिथियम बैटरी होती है, लिथियम फॉस्फेट 72 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है ना। 1500 वाट की मोटर होती है इसके अंदर, डिजिटल मीटर होता है इसमें, ये बैटरी का बता रहा है आपका, जैसे मोबाइल में आपको बैटरी का बताता है, इस तरह आप जब तक चलाएंगे बैटरी आपकी कम होती जाएगी, पता चल जाएगा ये
अब चार्जिंग इतनी करनी है इसकी। तो ये एक बैटरी के अंदर ये जब चार्ज तकरीबन कितना किलोमीटर चलती है? ये 70 से 75 किलोमीटर चलती है एक चार्ज पे। एक चार्ज पे 70 से 75 किलोमीटर? बिल्कुल ऐसे ही है। और कितने अरसे में जो है ना बैटरी चेंज करनी पड़ती है? क्योंकि इसको देखिए लिथियम वाली है बैटरी, कम से कम 6 से 7 साल चलती है बैटरी। 6 से 7 साल बैटरी चलती है। फिर इसका फायदा ये होता है कि इसमें जो बैटरी है वो आपको अगर 6-7 साल बाद खराब होती है तो आपको बैटरी चेंज करने की जरूरत नहीं होती इसके अंदर। इसके अंदर सेल चलते हैं बैटरीज में, तो आप सेल्फ चेंज करा देते हैं तो उसके बाद फिर ये आपका दोबारा 5-6 साल चलनी शुरू हो जाती है बैटरी। ये फायदा होता है। जब बैटरी डाउन हो जाती है तो कितने घंटे में चार्ज हो जाती है? ये सर 3 घंटे में चार्ज होगी। लिथियम बैटरी है, फास्ट चार्जर होता है इसके अंदर, तो ये 3 घंटे में टोटल चार्ज कर देती है गाड़ी। इसको चार्ज करने के लिए क्या इलेक्ट्रिक से चार्ज? आम आओ इधर मैं आपको दूसरी बाइक दिखा दूँ, मेरे पास चार्ज हो रही है अंदर। अच्छा, वो भी इलेक्ट्रिक है। अब ये देखें, ये मेरे पास है पार्कजोन की नामी बाइक। सही, ये देखिए ये आम चार्जर, मतलब इसका चार्जर साथ देते हैं हम लोग, चार्ज हो रही है भाई आम प्लग पे। देखिए आप देख कर सकते हैं आम प्लग पे चार्ज हो रही है हमारा। इसके लिए कोई अलग से प्लग नहीं लगा, सॉकेट नहीं लगाना आपको, आम प्लग पे चार्ज हो रही थी। तो क्या मुस्तकबिल में कोई ऐसा चक्कर चलेगा कि ये इसका चक्कर ही खत्म हो जाए, बैटरी खुद का कुछ? सर ये भी होगा, होगा होगा इनशाला, वो चीज भी होगी। सोलर सिस्टम पे करेगी और इसके अंदर खुद ब खुद चार्ज करेगी इसको। सही, ठीक है ना। तो क्योंकि लाजिम बात है, लोग फिर जब चार्ज नहीं होगी तो घरों पे लाके बिठा देंगे गाड़ी को। तो आगे चल के सर नई से नई टेक्नोलॉजी, जैसे पहले वो गाड़ी आई थी वो ड्राई जेल बैटरी में थी, ये आ गई है, इस पे अपग्रेड हो गई लिथियम बैटरी में हो गई, उसकी उसकी बैटरी का बहुत फर्क है। दोस्तों ये थे प्राइस आज के 2023 के। अब चलते हैं पुरानी मोटरसाइकिल के क्या रेट चल रहे हैं, तो देखते हैं कि पुरानी के क्या चल रहे हैं। नई के रेट तो मैंने आपको बता दिए 2023 के अंदर, और 2021 में जो रेट थे वो 55-60 हजार थे, लेकिन अब ये डबल रेट हो चुके हैं। और अब एक पुरानी की कीमतें जो है ना आजकल क्या चल रही है, पुरानी की कीमतें आपको बताते हैं। जी तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ पुरानी गाड़ियों की तरफ, जो कि मोटरसाइकिल की कीमतें जो चल रही है, नई की कीमत आपने देखी, अब पुरानी की कीमत बताते हैं आपको। यूनाइटेड, सुपर स्टार, सुपर और जो भी गाड़ियां हैं यूनिक वगैरह, पुरानी गाड़ियों की कीमत क्या चल रही है 2017, 2018, 2018, 2019, 2020, मेरे साथ रहना। तो दोस्तों शुजाउर रहमान साहब यहाँ पर अकबर रोड पर मौजूद हैं, जो कि यूज गाड़ियां और न्यू गाड़ियों का जो है ना डील करते हैं। तो इनसे पता करते हैं कि पुरानी गाड़ियों की आजकल क्या कीमत चल रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आजकल पुरानी गाड़ियां 2017, 2018, 2019, 2020 की क्या कीमत चल रही है, क्योंकि रेट तो बहुत ज्यादा ऊपर हो चुके हैं। देखिए 18, 19, 17 इन गाड़ियों के रेटों का फ्लक्चुएशन बहुत है। जैसी गाड़ी 30-35 से लेकर और 45,000 रुपए तक की गाड़ी है 16, 17, 18 की। अब अगर आप आते हैं 20, 21, 22, 23 ये गाड़ियां चल रही हैं 55 से लेकर और 75,000 रुपए तक, और अगर आप 22, 23 पे जाते हैं तो ये 85,000 रुपए तक की गाड़ी है। यानी कि उनकी कंडीशन के ऊपर, कंडीशन के ऊपर डील है सारी। जरा एक दो की कंडीशन बताए मुझे। देखिए ना, ये 22 की 100 खड़ी हुई है यूनाइटेड की, 22 के ये मिलेगी आपको 85,000 रुपए की। ये पावर है, ये 65,000 रुपए की मिलेगी। 21 मॉडल है, 21 मॉडल है, 65,000 की मिलेगी। जी आपके पास कोई यूनिक भी पड़ी हुई है? यूनिक भी है, ये खड़ी हुई, ये 21 मॉडल है। 21 मॉडल है ये? जी 21 मॉडल है। क्या प्राइस है इसकी? ये 65,000 रुपए की मिल जाएगी आपको। 65,000 रुपए की 2021 का? 21 का। दोस्तों ये जिस जगह पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इनके पास माशाल्लाह से गाड़ियां जो है ना बड़ी साफ हैं। तो इनसे ये भी पूछते हैं कि अगर वो गाड़ी जो इसका इंजन बना होता है तो उसके उसकी प्राइस में क्या फर्क। जैसे सर ये बताया कि जैसे अभी आपने ये बताया कि ये 2021 की गाड़ी है, 65,000 की आपने बताई, अगर इसका इंजन बना होता तो इसकी क्या प्राइस चल रही होती? देखिए इंजन बननी हुई गाड़ियां जो है वो वैसे तो हमारे पास तो सारी सील्ड है, लेकिन इंजन बननी हुई गाड़ी से 2-4-5 हजार का फर्क आ जाता है। फर्क आ जाता है। तो अभी यानी कि इस वक्त जो है ना पुरानी गाड़ियों में 2017, 18, 19 में जो आप बता रहे हैं, इनमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट किसके चल रहे हैं? देखिए इस वक्त यूनिक, सुपर स्टार, यूनियन स्टार, ये जितने भी चाइनीज ब्रांड है ना, इन सब के रेट ऊपर ही है, नीचे किसी का नहीं। ये 35 से लेकर 45 हजार रुपए तक की गाड़ियां हैं, जो आप जो मॉडल कर रहे हैं कि ये मॉडल कितने तक के मिलेंगे, 17, 18, 19 की गाड़ियां जो है 45,000 रुपए से कम नहीं मिलेगी अच्छी गाड़ी आपको। अच्छा एक मुझे ये गाड़ी नजर आ रही है, कई लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते तो ये भी एक गाड़ी खड़ी है, ये कंडीशन में क्या प्राइस है? ये 19 की गाड़ी है, ये मिल जाएगी 45,000 रुपए तक की, 40 से 45,000 रुपए की। ये 2019 की गाड़ी, 19 की, इसमें टंकी इसकी कलर होने गई भी है। अच्छा हाँ, ये टंकी से दूसरी डली हुई है। तो दोस्तों ये थे शुजाउर रहमान साहब, जो के अकबर रोड पर
पुरानी गाड़ियों की जो कि अच्छी कंडीशन में गाड़ियां जो होती हैं इनके पास, उनमें डील करते हैं। तो इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।